जी। और अगर जैंकी भाई जैसे मैं बोल रहा था, इस बार जोन बचे बनेगा ईस्टर्न साइड की तरफ और वही की ओर बनता हुआ। तो अब मैं बोल सकता हूँ ये एक तरह से जोन को प्रिडिक्शन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है टीम्स के लिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब लग रहा है कि यहाँ पर जोन एक ही जगह फोकस करेगा बट एकदम से सडनली चेंज आते हैं तो आप बिल्कुल क्वाइट शॉक हो जाते हैं। बट आई थिंक सुबोध भाई हमें जोन को छोड़कर यहाँ पे रेगल्टोस के स्प्रेस देखने चाहिए। यहाँ पे के को भी स्पोर्ट कर चुके हैं आरआईपी की टीम के ऊपर, जो स्प्रे गए ना इनका पहला, आई थिंक बहुत ही मक्खन स्प्रे मैं बोलना चाहूंगा उसको। फिलहाल रेगल्टोस आखिरी एचपी पे, बट कॉन्फिडेंस इतना यहाँ पे लगातार नेडिंग करते हुए आर्टिफिशियल रेड जोन बनाते हुए यहाँ पे केज मुझे लगता है फट सकते हैं। बस यहाँ पे डिवाइस फटे और अभी मौका मिल चुका है टीम सोल को। यहाँ पे अभी भी नेड्स लगातार जा रहे, रेगा ने अपने आपको हील किया, डिवाइस के ऊपर यहाँ पे पूरा एडीएस खुलता हुआ, पीछे से कवर देना पड़ेगा। मोटल देख सकते हो यहाँ पे कितना एग्रेसिव अपनी टीम को आई थिंक रश करने के लिए, कितना ज्यादा सामने की तरफ बढ़ चुके हैं। नेड निकाला एंड ये नेड आई थिंक थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। अभी मौका मिल जाएगा यहाँ पे रश करने का। एक फ्लोर तो फिनिश हो चुका जो कि डिवाइस के रूप में बाहर गया। यहाँ पे नेड जाता हूँ मोटल का, ड्रैगन नॉकआउट हो चुके टीम सोल का, बेहतरीन रश यहाँ पे टीम आरआईपी का पूरा बिखेर देने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। एंड ताश के पत्तों की तरह टीम आरआईपी इस मैच से बाहर कर दी गई टीम सोल के द्वारा। एंड यार ये तो एक स्टेटमेंट है यहाँ पे टीम सोल के द्वारा कि अगर हम लोग पैसिव खेल सकते हैं तो हम लोग एग्रेशन भी उतना ही दिखा सकते हैं। बट टीम 8-bit यहाँ पे लास्ट मैच का बदला निकालते हुए इस मैच में पूरी उम्मीदों पे यहाँ पे पानी फेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की तरफ से थर्ड पार्टी एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू थर्ड पार्टी, बिकॉज जिस टाइम पे टीम सबसे ज्यादा कमजोर हो तब आई थिंक अगर रश किया जाए तो वो चीज सबसे बेहतरीन होती है। यहाँ पे बात की जाए रेगल्टोस की, पीछे बीआरडीएम इनके लग चुके, अक्षत वहां से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पे बचना पड़ेगा रेगल्टोस को, बाल बाल बचते हुए यहाँ पे दिखाई दिए। बट ओके ओके ओके, रेगल्टोस अभी भी नीचे है, शायद थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इनके लिए यहाँ पे बच पाना, क्योंकि बीआरडीएम में अक्षत थोड़ा सा छेड़छाड़ कर रहे हैं इनके साथ। आई थिंक ये सीन थोड़ा गलत होते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। हाँ तो लेट्स सी यहाँ पर ब्लेजी एंड यहाँ पर बोलना चाहूंगा रेगल्टोस क्या बचा पाते हैं, और होपफुली मुझे लग रहा है यहाँ पर शायद वाइपर को भी बचाया जा सकता है, क्योंकि चौथा है पांचवा जोन है और देख सकते हैं दोनों प्लेयर्स यहाँ पर बीआरडीएम में, तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल फेयर तो बिल्कुल है नहीं इनको जैकी भाई अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो। बिल्कुल यहाँ पे देखा जाए बीआरडीएम का भरपूर इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अक्षत की बात की जाए, निकलेंगे यहाँ से, ब्लेज इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड बिना कोई फाइट, आई थिंक जोन के अंदर जाके वो लोग गेट कीप करना चाहते हैं, मतलब की फाइट में बोल सकते हैं हम, अननेसेसरी फाइट में या फिर ओवर कमिटमेंट में बिल्कुल नहीं फंसना चाहेंगे क्योंकि उनके लिए सिचुएशन खराब हो सकती है। और बात की जाए टीम एंट्रिक्स की, स्टार्टिंग में हम देख चुके थर्ड पार्टी वहाँ पे हुआ है एंड थर्ड पार्टी का फोर्थ पार्टी होने के भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा ड्रोन व्यू से यहाँ पे पब्लिक को दिखाना चाहूंगा किस तरह से पूरा स्नैरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पोटेड हो चुका है मोर्टल एंड वाइपर मोली जाते हुए एंड दरवाजा बंद हुआ, बट आई थिंक ये मोली दरवाजे के अंदर, मोर्टल नॉकआउट वाइपर नॉकआउट यहाँ पे एंड ये सिचुएशन काफी गलत होता है टीम सोल के लिए। आई थिंक यहाँ से बचना काफी मुश्किल रहेगा। रेगा एंड प्लेजी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी टीम की। रेगल्टोस के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा क्रूशियल रोल यहाँ पर रहने वाला है। रेगल्टोस अगर यहाँ पर सकते हैं ना और यहाँ पर जो एक और प्लेयर है उनको नॉकआउट कर देते हैं। जी हाँ गाइस यहाँ पर डीसी के, ओके सॉरी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किसने निकाल दिया है रेगल्टोस पूरी तरह से अपनी तरफ से, एक मैं बोलना चाहूंगा एक हीरो रोल यहाँ पर निभाते हुए रेगल्टोस और वाइपर, और मेरे ख्याल से लास्ट प्लेयर अब यहाँ पर रेगल्टोस बच रखे। तो क्या लग रहा है कि भाई इनके पास फर्स्ट एड किट भी नजर नहीं आ रही और टाइम बिल्कुल बचानी है इनके पास। टीम तमिलास यहाँ पे ओवली स्टेजेस में दो प्लेयर्स को खो चुकी है। ऑन द ग्राउंड सिनर्जी के टाइड की बात करूं, ही इज गेटिंग पुश्ड राइट नाउ, वहां पे उनकी तरफ नेड्स थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है एंड ही कुड बी इन अ बिग ट्रबल, बट स्क्वाड हाउस इज अ परफेक्ट टेस्ट टू क्लच, लेट्स सी व्हाट्स अप ऑन टेड। Yes, let's see, कितना अच्छी तरह से यहाँ पे डिफेंड कर पाता है। अभी के लिए एक अच्छा स्मोक जरूर करा बट स्क्वाड हाउस में पूरी की पूरी स्क्वाड आपके ऊपर रश कर रही है। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी एट ऑल। यहाँ पे रश आ चुका है एंड शॉटगन के साथ आते हैं विद दैट शॉटगन। आई थिंक इट्स समथिंग एल्स कि आप शॉटगन से रश कर रहे हैं बट सिनर्जी के बाकी प्लेयर्स मेरे ख्याल से यहाँ पे काफी क्लोजिंग करते दिख रहे हैं। ऑस्टिन बॉडक्स यहाँ पे आ चुके हैं, एक अच्छा नेट साबित हो सकता है यहाँ पे, अगर और प्लेयर को नॉक करते हैं तो प्रेशर में डाल सकते हैं। वाइपर यहाँ पे हील करते की कोशिश करते हुए ब्लेजी को दे इस नॉट नेट से नॉक कर दिया गया। सांगवान मॉर्टल द लास्ट डायनामिक वाइपर को हील कर दिया गया यहाँ पे एंड वाइपर अपने आप को आई थिंक फर्स्ट एड भी पॉप को जरूर करेंगे। और ऑस्टिन बॉडक्स अब अकेले हैं, अगर सोल को यहाँ पे रिवाइव होने दिया हील होने दिया तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं ऑस्टिन के लिए भी। सोल गोना बी डेडली ओवर हियर बिकॉज यहाँ पे ऑस्टिन अकेले प्लेयर रहेंगे फिलहाल, ये बैकअप अभी भी कंप्लीट टीम का नहीं आया। अगर तीनों प्लेयर्स आते हैं सिनर्जी कुड मेक अ ग्रेट स्टार्ट फॉर देम। यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा बैकफुट पे हो चुके हैं टेड को खोके एंड अभी चाहे तो कमबैक काफी अच्छा हो सकता है, बट फिलहाल ये सांगवान को डैमेज देने का प्रयास रहेगा ऑस्टिन बॉडक्स का। टीम सोल बीइंग रियली अग्रेसिव ओवर हियर, जिस तरीके से हम उनका गेम देखने को मिल रहा है दैट्स गोना बी ऑन अनदर लेवल एंड मैंजन का ड्रॉप आई थिंक इनके लिए ज्यादा फेवरेबल मुझे नजर आ रहा है। एब्सोल्युटली, बट यू नो अभी अपने वहां पे एक चीज देखी, सांगवान बाहर गए थे बेट करने के लिए, नीचे से वाइपर ने नजर डाल रखी थी ऑस्टिन बॉडक्स के ऊपर, दैट समथिंग एल्स, आई थिंक दैट इज ग्रेट। और सांगवान अब अगर आप यहां पे देखें, सांगवान ऊपर से कवर देने की कोशिश कर रहे हैं बट ब्लेजी को फिर भी नॉक कर दिया। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय ऑस्टिन बॉडक्स, क्योंकि शॉट्स आ रहे हैं, प्लेयर को तैनात कर रखा है सामने कवर देने के लिए, बट स्टिल इज प्लेइंग रियली गुड।
रौनक भी कवर देने के लिए पहुंच चुके हैं. एंड क्या लगता है दैट्स ओल्ड लाइनअप वर्सेस द न्यू लाइनअप ऑफ द सोल. रौनक को फिलहाल के लिए पिक ऑफ किया, श्राइडर को भी वाइपर विद अ जंपिंग स्प्रे गोना टेक हिम डाउन ब्यूटीफुल विद द अंतरिक्ष क्लैन. सो लेट्स हैव अ लुक एट द अंतरिक्ष नेमेसिस ओवर हियर जो यहां पे बिल्कुल फेस ऑफ कर रहे हैं यहां पे टीम सोल को. सो लेट्स हैव अ लुक एट नेमेसिस जिनके बिल्कुल सामने हैं यहां पे टीम सोल. एक बार गॉड्स आई पे चलते हैं, आपको पोजीशनिंग दिखा देते हैं दैट पोजीशंस क्या है यहां पे. ऑन द राइट साइड वी आर हैविंग लुक एट नेमेसिस, ऑन द लेफ्ट साइड वी आर हैविंग लुक एट फ्रेजा. रेगल टॉस यहां पे सोलो पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं इनटू द टीम नंबर 12 एंड मॉर्टल यहां पे नॉक होते हुए दिखाई दे दिए हैं हमें. सो रेगल टॉस टेकिंग हिज पेन किलर्स वेटिंग एंड देयर इट इज ग्रोजा इन के हाथ में सामने इनके बंदे एंड देयर इट इज रेगल हैज गॉन डाउन एंड विल बी फिनिश्ड. And there it is, mortal knock ho rakhe hain. Regal Toss niche ja chuke hain. Blazy and Viper are the only ones who are remaining. So dekhna padega, it is a 2v4 situation for this clan over here. So dekhna padega that what they do or not. And mortal ko cover dene ki puri koshish zarur kar rahe hain Blazy because he is reviving his HP right now. Wapas chalte hain ek bari onto the gods eye. Mortal ne apni HP zarur bada li hai. And dekhna padega, mortal, Blazy and Viper, can they do it against team number 12? Right side pe Frieza, samne hai Yash aur Nemesis. Jaldi se chalte hain mortal ke angle pe. And let's have a look at what he does. And there it is, Mortal trying his level best. कोशिश कर रहे हैं, रेगा को जरूर खो चुके हैं यहाँ पे टीम सोल. एंड वी आर हैविंग अ लुक एंड देयर इट इज अ वेरी नाइस रिटेलिएशन. नेमेसिस हैज गॉन डाउन टू वाइपर एंड हिज एकेएम. सो देखना पड़ेगा मॉर्टल के बिल्कुल राइट साइड पर यश जरूर स्पॉट किया उन्होंने यहाँ पे. अपनी एचपी नहीं बढ़ा रहे हैं मॉर्टल, ही इज गोइंग फॉर द पुश ओवर हियर. कोशिश जरूर कर रहे हैं यहाँ पे पुश करने की. एंड ब्लेजी हैज गॉन डाउन टू यश ओवर हियर. वाइपर हैज टेकन डाउन यश. सो देखना पड़ेगा सोल मॉर्टल कैन ही डू इट. टीपी भी लेकर कोशिश जरूर करेंगे. ही हैज स्पॉटेड वन प्लेयर, जिगल करते करते आगे जरूर आ रहे हैं. फ्रीजा इज द वन हु इज इन फ्रंट ऑफ देम. ही रोट एकेएम तो अभी मॉर्टल ने स्पॉट जरूर किया है. स्कारल इनके हाथ में एंड देयर इट इज पीछे से हेडशॉट लेना, दिस इज वेरी इनक्रेडिबल यार. बट नोवा गॉड लाइक की फाइट होते हैं यहाँ पे. ट्रोलर्स के पेर को नॉक किया एंड रेगल टॉस बिल्कुल देरी नहीं लगाने वाले यहाँ पे किल स्टील करने में. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी टीम के लिए गैदर करते हैं. स्मोकी सामने से अपनी कार 98 का फटका जरूर दे सकते हैं यहाँ पे. हील जरूर कर लेना चाहिए स्मोकी को देखा जाए फिलहाल कब आपको बचा सकते हैं. तो ये स्मोक करके मेरे ख्याल से उनके विजन ब्लॉक करने की बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं वो. बिल्कुल टेंटेक्स के 7 की बात की जाए, जैसे अभी इन्होंने एक प्लेयर को नॉकआउट किया था ग्रेनेड के साथ, बट फिलहाल आई थिंक रोटेशन करना चाहेंगे यहाँ पे. रेगल टॉस टीएफ के एक्सपर्ट को नॉकआउट कर चुके हैं. आई थिंक वहां पे 2 किल और अपनी टीम के लिए निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. रेगल टॉस का फॉर्म जारी हो चुका है, आज का दिन आई थिंक अपने नाम लिखना चाहते हैं यहाँ पे. 4 किल निकाल चुके हैं टीम सोल 9 किल के साथ यहाँ पे टॉप 10 के अंदर प्रवेश करती हुई. अभी जोन थोड़ा सा दूर जरूर गया है. एंड ओके टीम नोवा गोल्ड लाइक का जोन प्रेडिक्शन आई थिंक 2 OP. आप देख सकते हो टीम नोवा गोल्ड लाइक जोन के अंदर जी. और एक और चीज मैं बोल रहा था कि अभी 5 मिनट पहले मैंने टीम सोल की किल जब देखी थी 2 या 3 किल से, और विद इन 5 मिनट्स आफ्टर 5 मिनट्स 9 किल्स निकाल चुके. और मेरे ख्याल से और भी इंक्रीज करते रहेंगे आप अपने किल काउंट को. बिल्कुल सही है, इंक्रीज तो जरूर करना चाहेंगे. बस चुके हैं मोटल ने अपने आपको हील किया. लेफ्ट साइड से रोटेशन डालना पड़ेगा एंड लेफ्ट साइड से जाएंगे तो टीम मार्कोस गेमिंग के साथ फाइट यहाँ पे लेना ही लेना पड़ेगा इनको. जी बिल्कुल, वो पहले से ही बोलना चाहूंगा मार्कोस गेमिंग के प्लेयर्स. और लेकिन आते ही रेगल टॉस का जैसे आप बोल रहे हैं जलवा चल रहा है जंगी भाई, तो वो उन्होंने आते ही यहाँ पर नॉकआउट निकाला. और उनका मैं बोलना चाहूंगा मेन रोल आज रहने वाला है उनके लिए टीम सोल के लिए. बिल्कुल सही, हमेशा मेन रोल जरूर रहता है वहाँ पे क्योंकि अपनी टीम को फ्रंट से लीड करते हैं यहाँ पे. 2 प्लेयर नॉक्ड आउट, रश करने का मौका. एंड रेगल टॉस, मोर्टल, ब्लेजी एंड वाइपर बिल्कुल भी देरी नहीं करने वाले यहाँ पे. ब्लेजी जरूर नॉकआउट है बट रेगा वहाँ पे पहुंच चुके हैं. 1v1 की आई थिंक 2v1 की फाइट. रेगा एक बहुत गलत पोजीशन में फंसते हो यहाँ पे, देख सकते हो ग्लेशियर्स के उनके साथ क्या ही ग्रेड बनाएगा. बट फिलहाल मोर्टल पीछे की तरफ से कवर जरूर देना चाहेंगे, बट ऊपर से यहाँ पे टीम टीएफ का थोड़ा बहुत फायदा जरूर मिलता हुआ. बट अब ब्लेजी को बचाना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे टीम सोल का ये सफर काफी मुश्किल रहने वाला है. फिलहाल देख सकते हैं वाइपर एंड मोर्टल. ओके वाइपर भी नॉकआउट हो चुके अपने टीममेट को बचाने की थोड़े से दिक्कत में, मोर टीम नंबर 8 के पास. बट लेट्स सी, अगर बचाने को जा सकते हो तो वाइपर को ही एक बोलना चाहूंगा ऑप्शन है. ब्लेजी को बचा नहीं आएंगे तो खुद को भी खतरे में, तो उनकी तरफ से एक अच्छा डिसीजन है क्योंकि जितने प्लेयर्स उनके लिए यहाँ पर बेस्ट रहेगा. और हो सकता है कि उनकी तरफ से यहाँ पर फाइट की जाए. यस के ऊपर उन्हें स्पॉट आउट किया गया, लेकिन यस के पास इतना जबरदस्त एक कवर है, ट्री कवर, शायद आराम से वो अपने आप को हाइड कर सकते हैं इजीली. बिल्कुल सही कहा. बट यहाँ पे मोली की बात की जाए, आई थिंक यस मोली यहाँ पे लगी हुई है, बट दोनों प्लेयर को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा है. बट यहाँ पे देखा जाए टीम आईएनडी को, आखिरी प्लेयर यहाँ पे बाकी दिखाई दे रहा है. जोन यहाँ से निकल चुका है, टीम सोल को निकलना पड़ेगा. गेट कीप करते हुए दिखाई देंगे टीम एंट्रिक्स के प्लेयर, बट नाकामयाब दिखाई दी अभी तक. तो फिलहाल इनकारनेट के ऊपर शॉट,
सोल वाइपर इज प्लेइंग आउटस्टैंडिंग हियर, बट यहाँ पे मोर्टल को देखा जाए तो वो भी एलिमिनेट हो चुके हैं। थर्ड पोजीशन पे टीम सोल आई है, बट किल्स काफी ज्यादा निकाले यहाँ पे। मौका मिलता है टीम आईटी को, सेवन के ऊपर छोड़ जाते हैं। कार्नेज ऑलरेडी नॉक आउट हो चुके हैं, सेवन इज वेरी वेरी लो, बट लाइट के ऊपर राइट साइड से कवर फायर आता हुआ एंड यस ने उनको नॉकआउट किया, बट यस भी यहाँ पे नॉकआउट हो जाएंगे, बट टीम आईटी जोन के बाहर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। टीम एंट्रिक्स को नंबर एडवांटेज का फायदा मिला, जोन का फायदा मिला एंड किल्स का भी भरपूर फायदा मिल चुका है।